हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नेम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। आज के इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं आपको यहां पर स्मार्ट कॉइन लोन को अपग्रेड करके दिखाऊंगा, यानी कैसे आप अपने स्मार्ट कॉइन लोन लिमिट को बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे जिससे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमें बता दीजिए, स्मार्ट कॉइन लोन हमने ले रखा है पहले से लेकिन हमारी लोन लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही है, हमें बता दीजिए कैसे हमारी लोन लिमिट इंक्रीज हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको यहां पर मैं अपनी लोन लिमिट को डबल करके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में। वीडियोस की बिल्कुल मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं कैसे स्मार्ट कॉइन लोन लिमिट को इंक्रीज करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक तो इस वीडियो को स्किप मत करना, अगर आपने वीडियो स्किप कर दी फिर आपकी समझ में नहीं आ पाएगा, फिर आप मेरे पास कमेंट्स करेंगे बोलेंगे भाई जो है हमारा लोन लिमिट इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो आप अगर करेंगे तो आपको 100% लोन लिमिट बढ़कर मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, अगर आप एक नए कस्टमर हो तो आप अपने पास रख लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, क्योंकि ये जो कंपनी है केवल आधार कार्ड पैन कार्ड पर ही लोन देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको भाई आपके लिए यहां पर हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता है। तो आपको यहां पर क्या करना है, अगर आप पहले से कस्टमर है स्मार्ट कॉइन के, आपके लोन लिमिट नहीं बढ़ रही है, तो आपको एक बार प्ले स्टोर में जाना है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे प्ले स्टोर में जाएंगे, यहां पर आपको यह देखना है आपकी एप्लीकेशन अपडेट तो नहीं मांग रही है, अगर अपडेट मांग रहे हैं तो आपने इसको एक बार अपडेट जरूर कर लेना है। अगर आप एक नए कस्टमर है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपने इसको ओपन कर लेना होगा। जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है इंटरफेस आपको यहां पर दिखाई देगा कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं यहां पर ये मेड इन भारत है, यानी भारत में बनाई गई एप्लीकेशन है, इंडियन एप्लीकेशन है, तो आप यहां पर टेंशन फ्री होकर लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ना गाइज ये एक ट्रस्टेड कंपनी है, आरबीआई से अप्रूव्ड है, टेंशन फ्री होकर आप यहां पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, मैंने यहां पर ले रखा है 15,000 रुपए का लोन, ये 15,000 रुपए का लोन मैंने ले रखा है 6 महीने के लिए। गाइज मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है, ठीक है, आपने यहां पर पहले से कोई लोन ले रखा है, तो अपनी लोन लिमिट को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला काम आपको यहां पर करना होता है वो क्या है वो सुन लीजिए। जब आप यहां पर लोन ले या फिर किसी भी लोन कंपनी से आप अगर लोन लेते हैं तो एक तो आपको टाइम से रीपेमेंट करना होता है, बिल्कुल भी आपने ओवरड्यू नहीं करनी होती है किसी भी लोन इंस्टॉलमेंट को। अगर आप लोन इंस्टॉलमेंट जो है डिले करते हैं तो आपके साथ में क्या होता है, या तो वो कंपनी आपको लोन नहीं देती है या फिर आपकी लोन लिमिट नहीं बढ़ती है। तो हो सके अगर आपकी जैसे 15 तारीख की लोन इंस्टॉलमेंट जाती है तो आप जो है 13 तारीख या फिर 14 तारीख को ही दे दे, यानी एक दिन पहले आप जो है लोन का रीपेमेंट कर दे। उससे क्या होगा, एक तो कंपनी को लगेगा भाई हाँ ये बंदा बिल्कुल सॉलिड है, हमारा टाइम से रीपेमेंट करता है, फिर आपकी लोन लिमिट बढ़ती भी है और आगे आपको लोन भी मिलता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते हैं, जैसे कि 15 तारीख को हमें पेमेंट करना है और 15 तारीख को ही आप करते हैं, तो वो भी गलत है। अगर आपके ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कटती है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैनुअली अगर आप देते हैं इंस्टॉलमेंट अपनी, तो भाई आप एक दिन पहले टाइम से रीपेमेंट करें तब आपकी लोन लिमिट यहां पर बढ़ेगी। मैं यहां पर क्या करूंगा गाइज, ये जो और एक सबसे अच्छी बात और आपके लिए बेहतरीन बात जो आपके लिए फायदे की है जिससे आपकी लोन लिमिट डबल भी हो सकती है, वो ये है कि अगर आपने ले रखा है 6 महीने का लोन, सपोज करो जैसे मैंने 15,000 रुपए का लोन ले रखा है, ये 6 महीने का मेरा लोन है, 6 महीने के लिए मैंने लोन ले रखा है और किसी वजह से मेरे पास बीच में पैसे आ गए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो मैं यहां पर पूरे लोन का रिपेमेंट अगर करता हूं तो मेरे लोन की लिमिट डबल होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। मैंने यहां पर ऐसा ही किया है, मेरे जो 15,000 रुपए का लोन है ये मैं पूरा पे करने वाला हूं अभी एक साथ, ठीक है, इसको फोरक्लोज करने वाला हूं, और जैसे मैंने यहां पर इसको फोरक्लोज किया ये जो मेरी लोन लिमिट है डबल हो गई, यानी मुझे मिला यहां पर 30,000 रुपए का लोन, जो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहां पर दिखाने वाला हूं। आपका भी अगर टाइम बचा है 1 महीना 2 महीने 3 महीने जो भी आपके यहां पर बचे, तो गाइज मैं आपको बोलूंगा कि आप यहां पर पूरे लोन का रिपेमेंट कर दो और एक नया लोन यहां पर ले लो, यानी बड़ा लोन आप यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए गाइज मेरा 15,000 रुपए का लोन अभी चल रहा है 28/2/2022, यानी कि परसों लगा लो आप इसको, कल परसों मैंने पहले ही इसका रीपेमेंट किया है, पहले ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये 6 महीने का मेरा लोन था और मेरी EMI 2769 रुपए की थी,
लेकिन मैं 2769 नहीं देने वाला, मैं यहाँ पर पूरे लोन का रिपेमेंट करूंगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे लोन का रिपेमेंट करते हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। आप यहाँ पर गाइज लोन का रिपेमेंट अगर करें तो यूपीआई द्वारा करें, क्योंकि अगर आप यूपीआई से लोन का रिपेमेंट करेंगे तो आपके यहाँ पर कन्वीनियंस फीस जो है थोड़ी कम लगती है। जैसे कि देख सकते हैं 2769 देने पर केवल 8 रुपये यहाँ पर मेरी फीस लग रही है। तो यहाँ पर पे फुल पर आपने क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। जैसे आप पे फुल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यूपीआई चूज कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर गूगल पे फोन पे पेटीएम कुछ भी चूज करने के बाद यहां पर पेमेंट कर दीजिएगा सक्सेसफुली। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा पेमेंट यहां पर सक्सेसफुली हो चुका है, और जैसे ही आपका पेमेंट यहां पर सक्सेसफुली होगा उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा इंतजार करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट का, क्योंकि यहां पर पहले अपडेट होता है आपका लोन का रिपेमेंट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर लोन के लिए ऑफर मिलता है। तो यहां पर क्या हुआ गाइस, हमने जो है लोन का रिपेमेंट कर दिया। चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद जो है यहां पर 5 से 6 मिनट लग सकती है, तो यहां पर आप थोड़ा सा इंतजार करें। तो देख सकते हैं गाइज यहां पर अभी हमारा 15,000 रुपए का लोन यहां पर दिखा रहा है, लेकिन अभी यहां पर जो है ये खत्म हो चुका है ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने इसको देखा, देख सकते हैं हमारा कोई भी लोन यहां पर एक्टिव नहीं है, और देख सकते हैं गाइज यहां पर बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो चुका है। ये 5 मिनट बाद यहां पर हुआ था, और उसके बाद जो है मुझे लोन के लिए जब ऑफर मिला तो उसके 5 मिनट बाद मुझे लोन के लिए ऑफर मिला। आपको भी यहां पर सेम ऐसे ही करना जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो आपको पेज को रिफ्रेश करते चले जाना है। तो यहाँ पर रिफ्रेश अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को वापस करना है, यानी कि आपको एप्लीकेशन को हटा देना है, अपने होम पेज पर जाना है और दोबारा से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। तो यहाँ पर अभी हम जो है रिफ्रेश कर रहे हैं, और रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं गाइस कांग्रेचुलेशंस मेरे पास मैसेज आ चुका है ऊपर, कांग्रेचुलेशंस आपको हम लोन के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा से एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद गाइज आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर देख सकते हैं गाइज कांग्रेचुलेशंस रिमेंबर ए बेटर रिपेमेंट विल गेट यू, यानी आपने यहां पर टाइम से रिपेमेंट किया, पहले ही टाइम से रिपेमेंट कर दिया आपने, ठीक है। और अब हम आपको यहां पर नए लोन के लिए ऑफर कर रही है, हायर लोन ऑफर आपको यहां पर मिल सकता है, ठीक है, स्कोर आपका अगर अच्छा है तो चलिए मैं गाइज देख सकते हैं यार, ठीक है, मैंने पहले यहां पर 15,000 रुपए का लोन ले रखा था, मैंने 3 महीने पहले लोन का रिपेमेंट कर दिया, और अब मुझे यहां पर ये दे रही हैं 30,000 रुपए का लोन, यानी बोल रहे हैं कि आप यहां पर मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 30,000 रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़े से कैलकुलेटर करके यहां पर दिखाऊं इस लोन को, तो ये लोन मुझे 30,000 रुपए का मिल रहा है, और गाइज ये जो लोन है मुझे 9 महीने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये लोन 9 महीने के लिए लूं, ठीक है, तो इसकी ईएमआई होगी 3853 रुपए, 34,677 रुपए हमारे यहां पर रिपेमेंट होने वाला है टोटल, यानी हमारे एक्स्ट्रा यहां पर जाएंगे तकरीबन जो लोन हमने लिया वो 30,000 रुपए के लिए हमारे अकाउंट के अंदर आ रही है 27,876 रुपए, यानी यहां पर प्रोसेसिंग फीस पहले ही काट लेंगे 1801 रुपया, और 323 रुपए जो जीएसटी लगेगी वो पहले ही यहां पर काट लेंगे, 27,876 हमारे अकाउंट के अंदर आएंगे, यानी 2,000 इसमें हम और जोड़ देते हैं, तो हमारे टोटल जो यहां पर एक्स्ट्रा जाने वाले हैं गाइज वो जाने वाले हैं तकरीबन 6,000 रुपए, कोई ज्यादा नहीं है। 9 महीने में 30,000 रुपए का लोन लेने पर जा रही है केवल 6,000 रुपए, तो कोई ज्यादा नहीं है। ये लोन तो मैं अप्लाई करके नहीं दिखाने वाला आपको, क्योंकि लोन की जरूरत मुझे नहीं है, फिर भी अगर आप बोलेंगे भाई ये लोन अप्लाई करके दिखाओ यार, अपने अकाउंट के अंदर लेकर दिखाओ, तो आपका भाई आपके लिए ये भी करेगा, आपको ये लोन अप्लाई करके दिखाएगा, अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेकर दिखाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं केवल 30 सेकंड के अंदर स्मार्ट कॉइन लोन दे देती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप भी लेना चाहते हैं लोन, स्मार्ट कॉइन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लोन लिमिट नहीं बढ़ रही है तो आप यहां पर बस छोटा सा काम करें, अगर आपने यहां पर 2-3 महीने के लिए लोन ले रखा है तो आप कोशिश करें लोन का रिपेमेंट करने की 1 महीने या फिर 2 महीने पहले। अगर आपने 6 महीने के लिए लोन ले रखा है तो 3 महीने पहले लोन का रिपेमेंट कर दीजिए, अगर आपने 2 महीने के लिए रखा तो आप 1 महीने में लोन का रिपेमेंट कर दें, इससे आपकी लोन लिमिट डबल हो सकती है, जो कि मैंने आपको करके दिखाई है। अगर आप चाहते हैं लोन लेकर दिखाओ तो कमेंट्स करके बता दो। आज के लिए भी इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।